अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक चिकन कढ़ाई का प्लान है, और बेसिकली इस चिकन कढ़ाई में हम ये चिकन कढ़ाई नहीं है, बेसिकली ये टमाटर चिकन विद टमाटर है। ये मैंने रेसिपी सीखी थी, एक बहुत ही प्यारी सी खातून है, जो उनकी रेसिपी है टमाटर गोश्त। उन्होंने इस रेसिपी में बछिया का गोश्त यूज़ किया था, लेकिन क्योंकि हालात आपको पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, और लॉकडाउन में हम बिल्कुल भी घर से नहीं निकलते, तो ये घर में थोड़ा सा चिकन का गोश्त निकल आया था, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं, और ये टमाटर गोश्त या टमाटर कढ़ाई को ट्राई करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारे पास, ये तकरीबन हाफ के जी गोश्त है, इसमें हम तकरीबन 5 से 6 टमाटर हमने यूज़ करने, इसके साथ साथ 4 प्याज और कुछ हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का हमने पेस्ट लिया हुआ है, हमने साबुत धनिया रोस्ट कर चुके थे पहले, और अब हम इसको बारीक बारीक कूट लेंगे या पीस लेंगे। इसके साथ साथ इसमें कड़ी पत्ता भी हमने यूज़ करना है, नमक मैं की हद पे जाएगा, एज पर योर टेस्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये प्याज काटना चाहेंगे, तो वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो हम यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, और उसके बाद फिर हम पहले प्याज वगैरह सारी चीज़ें कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये हमने देखे जी 2 कढ़ाई ली हैं। ये डिश जो है ये 2 अलग अलग बर्तनों में तैयार की जाएगी। एक डिश में हम सबसे पहले चिकन और प्याज को फ्राई करेंगे, और दूसरे डिश में हम या दूसरी कढ़ाई में हम टमाटर को फ्राई करके रखेंगे, टमाटर का गला के पेस्ट बनाएंगे, और उसके बाद हम अपना गोश्त इसमें डालेंगे। तो ये देखें, ये हमने टमाटर की कटिंग कर ली है, प्याज और हरी मिर्चें, इसी के साथ साथ देखें ये हमने लहसुन अदरक, लहसुन अदरक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने हरी मिर्च भी पीसी हुई है, तो हरी मिर्च का भी आपको यहाँ ग्रीन कलर आ रहा होगा। इसके साथ ये आपको कुछ थोड़े से कड़ी पत्ते नज़र आ रहे होंगे, और ये साबुत धनिया जो है हमने पहले हमने रोस्ट किया हुआ था, और अब हम इसको बारीक बारीक जो है वो कूट रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये अपने धनिए को बारीक बारीक कूटेंगे, और उसके बाद फिर हम ये कढ़ाई में घी कढ़ाई में हमने ऑयल डाला हुआ है, और इस ऑयल के बाद हम यूज़ करेंगे। तो धनिया हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है, तो लेट्स स्टार्ट, हम चूल्हा स्टार्ट करते हैं। देखें इस कढ़ाई में हम सबसे पहले हम इसमें जीरा डालना चाहेंगे। देखें हमने कढ़ाई में जीरा और 2-4 हमने साबुत काली मिर्च डाली, और इसके साथ अब हम ये कड़ी पत्ते का हमने डाल दिया है। इसको बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर रहे हैं, और जब ये फ्राई हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डाल के इसको गलाएंगे। कढ़ाई में टमाटर डाल चुके, इसको हम बहुत लो फ्लेम पे इसका ढक्कन ढक देंगे टिल के ये टमाटर गल जाएं। अब हम दूसरा अपनी कढ़ाई को खोल चुके हैं, अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे,
प्याज को भूनने के बाद हम इसमें चिकन का एडिशन करेंगे। इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम महसूस हो रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें ऑयल का इजाफा करेंगे। देखिए प्याज को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन करना है और अब ये प्याज क्योंकि लाइट ब्राउन होना हल्का हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज में हमने थोड़ी ही देर बाद जब प्याज बिल्कुल रेडी हो जाए तो आपने इसमें मुर्गी का गोश्त अपना चिकन डालना है और गोश्त को बहुत अच्छे से आपने गलाना है। किटिल आपका ये गोश्त गले तो हमारी दूसरी जो कढ़ाई है उसमें आप देख रहे हैं कि हमने इसको कवर अप किया हुआ है, टमाटर गल जाए। अब इसमें हम टमाटर में इसी स्टेज में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे और नमक मिर्च और मसाला ये भी हम इसी टमाटर के पेस्ट में डालेंगे। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें देखें गोश्त ने अपना कलर अच्छे से चेंज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसको लहसुन अदरक का पेस्ट अब हम इसमें डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए काफ़ी हद तक गल चुका है चिकन के गोश्त, यही बात है क्योंकि दो मिनट के अंदर अंदर गोश्त गल जाता है। अगर यही मटन का या बीफ का होता तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता। अब ये देखिए ये इस पोजीशन में आ गया कि गोश्त गल गया। अब हमारी दूसरी कढ़ाई जो कि रेडी है अब हम ये गोश्त उसमें कन्वर्ट करेंगे। टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं, हम इनको ऐसे हल्का सा पेस्ट को टमाटर को तोड़ लेंगे। अब हम इसमें नमक मिर्च मसाला ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम ये गोश्त इसमें कन्वर्ट, ये हमने इसमें देखें टमाटर के पेस्ट में चिकन ऐड कर ली है। हल्का सा अब ये हल्की सी मामूली सी हम इसमें हल्दी यूज़ करेंगे। इसके बाद हम ये जो धनिया हमने थोड़ा सा ये साबुत लाके नज़र आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और कूट लें। लाल मिर्च हम बहुत थोड़ी सी डालेंगे। नमक आपने हलवे जायका यूज करना है जितना। मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमने हरी मिर्चें भी काफ़ी मोटी मोटी काटी थी ये भी अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं।
क्योंकि ये गोश्त की लाइक चिकन की जो बोटियाँ हैं काफ़ी बड़े साइज में थी, और हम इसको अब बहुत लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए लाइक 5-7 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे ताकि गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल जाए और गोश्त में मसाले का जायका अरोमा बहुत अच्छा सा आ जाए। इसको हम ढक रहे हैं कढ़ाई को और थोड़ी देर इसको हम वेट करेंगे। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आसार नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छे से गल चुका है, और अब हम इसको एक दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी टमाटर के साथ बहुत अच्छी सी इसकी सॉफ्ट सी ग्रेवी बन चुकी है, और अब हम इसमें एक हल्का सा नींबू निचोड़ेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी डिश कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इंशाल्लाह ताला इसको टेस्ट आउट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि हमारे काम के इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।